बोलो सर। हेलो। हाँ क्या बात है, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल है? सब ठीक है। वही चामिन वही खा ले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अफजल खान और आप देख रहे हैं अफजल खान व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सुबह के 9 बज रही है और दुकान पे जाने का टाइम हो चुका है, तो दोस्तों मैं दुकान के लिए निकलता हूँ, लेकिन मैं ये थोड़ा सा नज़ारा आपको बता देता हूँ। मेरे मकान के सामने जो सड़क है उसका, और ये मेरा मकान है। दोस्तों मैं निकलता हूँ दुकान के लिए। दोस्तों मैं आ चुका हूँ दुकान पे और ताला लगा हुआ है, देखो दुकान पे ये, और ये बस स्टैंड है हमारे यहाँ का बस स्टैंड। तो मैं फटाफट दुकान खोलता हूँ और देखते हैं फिर आगे क्या होता है, ग्राहक व्राहक आते हैं नहीं, तो बने रहेगा इस वीडियो में। तो दोस्तों दुकान खोलने के बाद एक ग्राहक आ गया है जो साइकिल का, ये छोटा बच्चा आया है ग्राहक, और एक साइकिल का लॉक डलवाने का बोल रहा है। मैं लॉक आपको बता देता हूँ, ये लॉक ताला डालवाने को बोल रहा है, तो मैं फटाफट इसको ताला डाल देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा बहुत काम करा मैंने, उसके बाद दादा आ गए थे, दादा से मजाक करा करे, और दादा अभी भी दुकान पे बैठे हैं, चाय पिलाने का बोल रहे हैं, तो मैं उनको चाय पिला देता हूँ फटाफट। तो मेरा एक दोस्त है वो चाय लेने गया है, तो चाय आ रही है जब तक दादा के मजे लेता हूँ। हाँ बोलो दादा, क्या कह रहे दादा का बारे में आपको और बता दूँ मैं, ऐसे तो मैंने कल भी बताया था, लेकिन कल सिर्फ उनका नाम और पता बताया था, लेकिन काम क्या करते हो बता दूँ मैं। दादा एक कुम्हार है जो कौलू वौलू बनाते थे, उसके बाद मटके बनाते थे, और अभी उनके बच्चे काम करते, दादा आराम करते हैं ज़्यादा अधिकतर, क्यों दादा? हाँ दादा आराम करते हैं, अभी उनके बच्चे सब काम करते हैं, और दादा हंसी मजाक भी बहुत करते हैं, और उनको हंसी मजाक का बहुत शौक है, नाचने गाने का बहुत शौक है। तो लकड़ी लेके गधे चराने जाते हैं, लकड़ी लेके गधे चराने जाते हैं, जो मतलब उनके घर में गधे पालते हैं ये लोग, कुम्हार लोग गधे पालते हैं, तो ये लकड़ी मतलब गधे चरा गधे मधे और जानवर चराया करते हैं दादा, तो मेरी दोस्त मेरे से हंसी मजाक करा करते हैं। तो मैं उनको फटाफट चाय पिला देता हूँ, चाय आ रही है हमारी। और दादा लो, दादा आपसे आप खुद ही मिल बात कर लीजिए। हाँ बोलो दादा। हेलो। हाँ क्या बात है, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल है? सब ठीक है। वही चमड़ी वही खा ले। दादा बोल रहे वही चमड़ी और वही खा ले। तो पानी का थोड़ा मौसम भी, गर्मी बहुत तेज है यहाँ पर, पानी आना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि बहुत से मैसेज मैंने पढ़े हैं, बहुत से मेरे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि कुछ अच्छे वीडियो डालो, बाहर के वीडियो डालो, घूमने फिरने वाले वीडियो डालो। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि मैंने अभी यूट्यूब में अभी मैंने शुरुआत की, और अगर मैं अभी से दुकान बंद करा के दुकान बन के बंद करके ना बाहर घूमने चले जाऊँगा, तो बताओ मेरा घर बार और मेरा खर्चा कैसे चलेगा। अभी कहीं यूट्यूब में अभी मेरा पैसे तो अभी आए नहीं है कि मेरे पास पैसे आने लग गए, खर्चा आने लग गया, और मैं दुकान बंद करके ना इधर उधर घूमने चले जाऊँगा और वीडियो डाला करूँगा, तो मैं बाहर अभी जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे को दुकान भी चलाना पड़ती है, घर बार भी चलाना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, परिवार भी देखना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। तो अभी इतनी अपनी इनकम नहीं है कि अपन दुकान बंद करके ना बाहर के वीडियो डाला करें, इसलिए मैं अभी यहीं की वीडियो डाला करता हूँ। हाँ ऊपर वाले ने चाहा और अगर कुछ थोड़ा कहीं कमाई वमई हुई, थोड़ा बहुत पैसे वैसे आए, तो बाहर के भी वीडियो डालेंगे। तो दोस्तों अभी मैं बाहर के वीडियो नहीं डाल सकता, बाहर घूमने रोज नहीं जा सकता मैं, क्योंकि मेरे को दुकान भी चलाना पड़ती है। आप समझ सकते हो कि एक गरीब आदमी पर क्या बीतती है, कैसे उसका घर चलता है, आपको सब पता है, मेरे को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये रही मैसेज जो मेरे पास आ रहे थे, उनका जवाब मैंने दिया है। वो तो ठीक है, अब देखते हैं, चाय बुलाता हूँ दादा के लिए। तो चाय आ चुकी है हमारी, और दादा से मैं पूछ रहा हूँ कि दादा का फेवरेट हीरो कौन सा है। दादा आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार उनका फेवरेट हीरो है,
और दिलीप कुमार साहब बहुत साल उन्होंने काम करा है, बहुत फिल्में आई उनकी, और आज वो बीमार है और बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं वो, तो ऊपर वाला उनकी सेहत को अच्छा करे और उनको अच्छा कर दे। और दादा का फेवरेट हीरो दिलीप कुमार है, तो हम चाय पी लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। दोस्तों दोपहर के एक बज चुकी है, जैसा कि मैं रोज़ जाता हूँ खाना खाने के लिए और आज भी जा रहा हूँ, तो बने रहिएगा इस व्लॉग में, देखते हैं आगे क्या होगा। तो दोस्तों दुकान क्लोज करके मैं आया हूँ घर और थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ, और ये बच्चे पीछे खेल रहे हैं, साहिबा भी है और असद भी है। और हमारे मकान के पीछे का इलाका बता देता हूँ, ये मेरा मकान है, मैं पीछे आया हूँ मकान के, और ये मकान के साइड में पीछे एक स्कूल है, मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूँ स्कूल, जो कि अभी बंद है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि स्कूल अभी पिछले साल दो साल से बंद चल रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि खुल जाएगी। तो मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूँ स्कूल, बच्चों की स्कूल है ये, 8वीं तक है यहाँ पर क्लास। साहिबा हाय। हाय। तो दोस्तों चाय मेरे हाथ में आ चुकी है, शाम के 6 बज रही है और मैं चाय पी रहा हूँ। चाय पीने की मेरी आदत है, दूसरा नशा हम कुछ नहीं करते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना शराब पीते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं हम, सिर्फ हम चाय पीते हैं। और दोस्तों मैं आप बहुत से मैसेज मैंने पढ़े हैं मेरे वीडियो में कि आप कहाँ रहते हो कहाँ रहते हो, तो आप सबको मैं बता दूँ कि हम मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में रहते हैं, और हमारा गांव का नाम धुलकोट है और हमारा ज़िला खरगोन है और हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। और पता है आपको कि मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती है, वह मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात से मिलती है और महाराष्ट्र से मिलती है, छत्तीसगढ़ से मिलती है और राजस्थान से मिलती है और उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो मिलते हैं कुछ देर बाद, तो बने रहेगा इस वीडियो में, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। और साहिबा भी यहीं पे है, मेरे साहिबा भी मस्ती कर रही है यहाँ पर। साहिबा क्या कर रही क्या कर रही, इधर देख, हाय कर दो। तो फाइनली दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और हमारे इस वीडियो का एंड करने का टाइम भी हो चुका है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश बरोबर हुई नहीं। मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, गरीबों की, मज़दूरों की, किसानों की, इनकी बात हमेशा करते रहता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद ही है इनको, इनके बारे में, मतलब मेरा मेन मकसद ही है गरीबों के लिए बात करना, गरीबों के लिए आवाज़ उठाना, उनके लिए दुआएं करना, क्योंकि ऐसे हम सब गरीबी से उठे हैं और हम सब गरीब हैं। तो हम, मेरा मतलब मेन मकसद ही है किसानों की बात करना, गरीबों की बात करना, मज़दूरों की बात करना, व्यापारी, छोटे व्यापारियों की बात करना। तो मैं मतलब वही बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी पानी की बहुत कमी है हमारे यहाँ पर, पानी अभी नहीं आया है, फसल सब जगह बो चुकी है लेकिन पानी की अभी बहुत कमी है। तो उसी के ऊपर मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, ज़रूर सुनिएगा। ज़मीन जल चुकी है आसमान अभी बाकी है, ज़मीन जल चुकी है आसमान अभी बाकी है, सूखे कुएं तेरा इम्तहान अभी बाकी है, बरस जाना वक्त पर ए मेघ, बरस जाना वक्त पर ए मेघ, किसी का मकान गिरवी है किसी का लगान बाकी है। तो कैसा लगा ये मेरा शेर, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार भैया, लाइक कर देना यार भाई, और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और